प्रसिद्ध गायिका पिंकी पारस फिलहाल कुछ स्वास्थ्य समस्या को लेकर अस्पताल में इलाज ले रही है। उन्हें एक वायरस की वजह से पैरालिसिस की समस्या हुई है। यह समस्या किसी को भी हो सकती है, जिसे लेकर जागरूकता करने उन्होंने एनबीसी के माध्यम से अपने फैंस से बात की है। प्रसिद्ध सिंगर पिंकी पारस जल्द ही अपने फैंस के बीच अपने सुरीले अंदाज में नजर आएगी। उनके स्वास्थ्य में सुधार नजर आ रहा है। इलाज के दौरान उन्होंने फैंस से बात की है। ब्रेन आधा जाता था, उसमें फिर वक्त लगता है रिकवरी में। तो अभी क्योंकि मुझे पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो मैं जल्द से पहुंच गई, सारे प्रोग्राम वगैरह कैंसिल करके एडमिट हो गई। तो 5 दिन का ये कोर्स है मैंने जो लिया। अब तो ये वायरस की वजह से हुआ है? वायरस की वजह से हुआ। कितने सारे हैं, जैसे अपने चिकन पॉक्स वगैरह वायरस है सब, तो एक टाइम लेते हैं, लेकिन कितना इफेक्ट कर दिया खाने से, ट्रैवलिंग से। सबसे पहले तो खाना, मतलब खाने से आता है, और सबको नहीं आता है, रेयर, बहुत कम लोगों को होता है। इंडिया में भी बहुत ट्रैवलिंग की मैंने, नागपुर 3-4 अप डाउन किए, पंजाब अमृतसर, चंडीगढ़, जलंधर, लुधियाना, तो ट्रैवल कर रही थी, ट्रेन से भी ट्रैवल किया। खाने से जो बैक्टीरिया पेट में ग्रो हुआ। पिंकी पारस ने बताया कि वह जल्दी अपने फैंस के लिए गाना गाएंगी। उन्होंने आगे कहा कि उनकी आत्मविश्वास के कारण ही वह आज फिर से स्वस्थ महसूस कर रही हैं। कैमरा पर्सन अजित कुवर के साथ प्रकाश शुंकलवार की रिपोर्ट।